नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यू किचन रेसिपी विद सीमा में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न। तो मैंने 1 कप कॉर्न ली है, उसे अच्छी तरह से वॉश करके फिर हम इसे उबालने के लिए चढ़ा देंगे। अब ये बॉयल हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से पानी सुखा लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम बर्तन में पलट देंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड करूंगी। इसके बाद 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। अब 1 चम्मच इसमें तेल ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, तब ये पूरी तरह ऑब्जर्व हो जाएगा। और ये हो चुका है 10 मिनट के बाद, ये देख लीजिए पूरी तरह ये हो चुका है, मिक्स हो चुका है मैदा। तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न को। फटने लगता है फ्रेंड्स, तो इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो हम इसे निकाल लेते हैं।
अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, एक प्याज कटी हुई, एक हरी मिर्ची, ऑप्शन से आपके पास से, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्ची, इसे हम लोग खाते नहीं हैं, और एक टमाटर कटा हुआ, हरी धनिया कटी हुई। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, और ये हमारा तैयार हो चुका है क्रिस्पी कॉर्न। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा रेसिपी कैसी लगी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स, और शेयर भी करेंगे आप। थैंक यू फ्रेंड्स।